All right, hi everyone, welcome on board. Let's get the party started. Today's session is about the paper shredder. डेटा इंटरप्रिटेशन हैवी होगा, पक्की बात है, इसलिए स्क्वायर्स क्यूब्स पढ़ के जाइए, स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम्स गेम थ्योरी पढ़ के जाइए, लॉजिकल रीजनिंग कैन रूल द रूस्ट, थिंग्स आर चेंजिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कुड बी लॉन्गर एंड लेंथियर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक भी मेरे सामने लिखे हुए हैं जो कि पेपर के अंदर बार बार आई एम लखनऊ ने भी पूछे हैं और प्रोफेसर सिंह ने भी जो जो नोट्स दिए हैं, मैप्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अमेरिकन मॉल्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ह्यूमैनिटीज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रिएटिविटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का साइंटिस्ट साहब है, हाँ साइंटिस्ट साहब है, वाइकिंग एज, क्विक प्रो टिप, लर्न मोर अबाउट एजेस, वाइकिंग एज, रेनेसेंस टाइम, है ना, रेनेसेंस टाइम 14th सेंचुरी के अंदर सब कुछ चेंज हो गया, यूरोपियन लिटरेचर वगैरह दोबारा रिवाइव किया गया, मैं कल क्लास के अंदर पढ़ा रहा था, राइट, रिलीजन इज अ सेंसिटिव टॉपिक, हेंस कुड बी अवॉइडेड, लिटरेचर बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सर इस साइंटिस्ट आदमी, इस साइंटिस्ट आदमी आर वेल रेड पीपल एज वेल, सो एक फिलोसफी कम लिटरेचर बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपको आ सकता है, मेरा फेवरेट कैट का पेपर सेटर का फेवरेट, घोड़ा कुत्ता बिल्ली एक्सेट्रा ऑफ द वर्ल्ड, कैट लव्स नेचर, संजीत साहब वुड ऑल्सो लव नेचर एज फार एज आई कैन मेक अ रैंडम गेस हेयर, बिकॉज यार हर बार कोई ना कोई एनिमल कैट के अंदर आता है, इस बार भी कुछ ना कुछ आएगा, लास्ट टाइम टर्टल वर्टल आए थे, उसके पहले डॉग आ चुका है, उसके पहले एलिफेंट आ चुका है, फिश आया था पिछली बार कटल फिश, तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है, नॉन इंजीनियर्स डरना नहीं, नॉन इंजीनियर्स हमेशा और हमेशा रिक्वायर्ड रहेंगे, आई एम इंदौर के डायरेक्टर साहब ने एक बात बोली थी, ऑल द प्रॉब्लम्स आर नॉट गोइंग बी सॉल्व्ड बाय इंजीनियर्स ओनली, नॉन इंजीनियर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर वन, नॉन इंजीनियर्स का रेशियो इंक्रीज करने के लिए हर आई एम लगा पड़ा है, बिकॉज इफ दे डोंट डू इट, इट विल बिकम अनदर एनआईटी और आईआईटी, वी वांट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इन द सेम क्लास, दिस इज नॉट मी टॉकिंग, दिस इज ऑल द पॉसिबल डायरेक्टर्स आई हैव मेट इन लाइफ, मैं एग्जांपल देता हूं क्यों नॉन इंजीनियर्स जरूरी है, हाँ मौलिक से ऑक्टोपस ऑल्सो, बिल्कुल यार सपोज करो अपने कोई पंखा एनालिसिस करना है, ये पीछे पंखा लगा हुआ है, पंखा इंजीनियर को बोलो पंखा को देख क्या दिख रहा है तेरे को, है ना भाई वो पीछे पंखा है, क्या दिख रहा है तेरे को, ओ पंखा 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 नहीं दिख रहा, दूर है, ठीक है, इंजीनियर बोले पंखा ऊपर लगा हुआ है क्या दिख रहा है तेरे को, तो इंजीनियर बोलेगा यार सर पंखा मोटर है ना, वो थ्री इंच वाला याद है जो मोटर दिख रही है ना, फिर एक नॉन इंजीनियर को बोलोगे सर ये पंखे के ऊपर जो लोगो लगा हुआ है ये लक्ष्मी पंखे PSPO, इतने गंदे पंखे क्यों, कुछ नया नाम भी रख सकते हैं इसका, है ना क्रॉम्पटन पंखा, है ना, देन एक CEO को बोलो सर पंखे वंखे बंद करो AC भी चल रहा है क्यों, बिल ज़्यादा आएगा, राइट, सो वन डिस्कशन, डॉक्टर को पूछो सर फैन इज बेटर देन एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर सेम हवा अंदर घुमाता रहता है, सो यू गेट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन पंखा ओनली, हेंस दीज प्रोफेसर्स अंडरस्टैंड दैट, सो जो मर्जी हो जाए पेपर इज गोइंग टू बी नॉन इंजीनियर्स पेपर, क्वांट इज नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट, DILR हैवी आएगा, पेपर सेटर मानता है, एक बात सुन लो भाई, तुम इंजीनियर हो तुम नॉन इंजीनियर हो, जिंदगी के अंदर तरक्की करनी है, डेटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसी स्किल है जो आपको पढ़नी पड़नी है, क्यों, अगर आप DI करते हो, आप एक्सेल शीट करते हो यार, एक्सेल शीट के ऊपर यू कैन कंसोलिडेट द वेरियस नंबर्स, एक मैनेजर का काम होगा अपने 100 एम्प्लॉइज का पूरा डेटा निकाले, या एक नया कोई माइक्रोफोन है उसको लॉन्च करना है, या यूट्यूबर हो आप तो यूट्यूब के एनालिटिक्स समझ आने चाहिए, आपको मार्केटिंग करना है HR का, एनालिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनालिटिक्स जो बेसिक जो चीज है ना वो है तुम्हारा डेटा साइंस, वो है तुम्हारा DI, तो DILR एक नो ब्रेनर है, जितने मैं डायरेक्टर साहब को मिला हूँ, आई एम त्रिची के डायरेक्टर साहब आए थे कैटकिंग के अंदर अभी, MD गुड़गांव के, IFT के, इरमा के, IMT गाजियाबाद के, वो यही बात बोलते हैं यार कि DILR जो ऐसी चीज़ है ना यार, ये ऐसी चीज़ है बिल्कुल एक बेसिक चीज़ है, ह्यूमन को आनी चाहिए, ठीक है भाई, हाँ मैं तुम्हारे क्वेश्चन देता हूँ फटाफट आगे चलते हैं, नॉन इंजीनियर्स पेपर तुम्हारे फेवर में रहेगा, नियरली 30% to 40% हर कॉलेज के अंदर नॉन इंजीनियर्स रहेंगे, आगे 2 घंटे का होगा 3 घंटे का होगा, हाई लाइकली पेपर 2 घंटे का होने वाला, मैं कल स्लाइड के अंदर बताया था, आगे इसके बाद मैं आपको डेट्स बताने वाला हूँ, फिर 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन मेरे को पूछो, 60 से लेकर 90 क्वेश्चन के अंदर अंदर होने वाले हैं सर, वो संडे को जो सेशन होते हैं ना सुधांशु सर के साथ, प्रांतिक सर के साथ, आई एम लखनऊ के, 3 घंटा बैठ के जो आपके साथ बैठते हैं वो पक्का अटेंड करना, प्यार है मेरा यार, वो मेरा भाई है, वो सॉल्व कराएगा बैठ के, और मोइनेक सर हैं FMS के, वो वीडियो को सॉल्व करते हैं वो पक्का देखना, तो बॉयज एंड गर्ल्स कन्वीनर साहब इज आउट, रजिस्ट्रेशन आने वाली है, अब पढ़ाई शुरू कर दो, हाँ पढ़ाई शुरू कर दो, डोंट रिजेक्ट यू, लेट द ब्लडी आई एम रिजेक्ट योर सेल्फ, हाँ तुम्हें आई एम रिजेक्ट करेगा, खुद को रिजेक्ट नहीं करना, थैंक यू सो मच, स्ट्रीम को लाइक हो गया, 2000 लाइक मिनिमम होने चाहिए इस वीडियो के अंदर।